जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइज मैं आपके लिए एक वैकेंसी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आपको बताया जाएगा इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में। तो बेसिकली वैकेंसी आपकी निकाली गई है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा, यानी कि ITBP ने आपकी वैकेंसी जारी की है। और वैकेंसी जारी की है आपकी कॉन्स्टेबल GD के लिए, यानी ये जो कॉन्स्टेबल GD की पोस्ट है इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो गाइज ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी कुछ स्टेट के लिए निकाली गई है। कौन कौन सी स्टेट है वो आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, UT लद्दाख, यानी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख, तो इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी स्टेट के लिए कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, एंड टोटल वैकेंसी आपकी 620 प्लस है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी इस आधार पर निकाली है कि जब आपकी कॉन्स्टेबल GD की वैकेंसी आई थी 2022 में, तो उस वक्त इन स्टेट के अंदर यहां पर वैकेंसी खाली रह गई थी कैंडिडेट के बावजूद, तो उसके आधार पर अब इन जो बाकी आपकी बची पोस्ट थी खाली, इनको यहां पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भरा जा रहा है। और कैसे भरा जा रहा है, ये भरा जा रहा है इनको ओपन रैली सिस्टम के माध्यम से, यानी कि आपको यहां पर दिए गए टाइमिंग के अंदर वहां पर जाना है जहां पर आपकी रैली होगी। और रैली आपकी होगी 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में, इस टाइमिंग पर आपको जाना है जहां के लिए भी आपको अप्लाई करना है। और इसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कहां से भरना है, क्या क्या जानकारी भर करके किन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको लेकर के जाना है, तो सभी जानकारी कवर यहां पर की जाएगी इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल डाउट रह जाता है वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए और भी डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच है, सैलरी 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी। एंड यहां पर एप्लीकेशन फीस भी रखी गई है, जनरल OBC EW के लिए 100 और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। फीस आपको कैसे जमा करनी है उसका जानकारी भी आपको आगे दिया जाएगा। एंड यहां पर इसमें जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में है। अब आप यहां पर आइए इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के, जैसे कि यहां पर पहला है डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT लद्दाख, फिर है हिमाचल प्रदेश, नीचे है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉर्डर UT लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, जिसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके सामने जो डाउनलोड फाइल है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करके रखी है, ये है आपकी उत्तराखंड की, तो जैसे ही आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर के आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर आ जाएगी। अब जैसे ही आपने फाइल डाउनलोड कर ली तो आप यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो इसमें जैसे कि बोला है ओपन रैली सिस्टम एंड दी पोस्ट हैज़ ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रोड, यानी कि आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो सकती है, साथ ही आपकी विदेश में भी पोस्टिंग हो सकती है। अब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या वैकेंसी आपकी कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो यहां पर उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ के लिए ये वैकेंसी है, यानी कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अन्य स्टेट की जो वैकेंसी है वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है लद्दाख का, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कौन सी जगह पर आपको दिए गए टाइम पर जाना है। जैसे कि लद्दाख की अगर बात करें तो इसमें आपको इस वेन्यू के ऊपर जाना होगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट है ले और टाइम आपका वही 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023, ये आपने यहां पर जाना। और अभी हम फिर से उत्तराखंड वाले नोटिफिकेशन पर आते हैं, इसमें आप देख लीजिए वेन्यू फॉर रिक्रूटमेंट पिथौरागढ़ में, अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको इस वाले एड्रेस पर जाना है जो कि 14BN ITBP पिथौरागढ़ UKD यानी कि उत्तराखंड। अगर आपको चमोली के लिए जाना है तो आप इस एड्रेस पर जाएंगे।
तो आप यहाँ पर इस एड्रेस पर दिए गए टाइमिंग पर जाएंगे। अब आपको जाना कैसे है, क्या लेकर के जाना है, वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। उसमें आपको यहाँ पर समझने से पहले कुछ और जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो रखा गया है वो जनरल ओबीसी एंड एससी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 77 बिना फुलाए और फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वेट क्या है वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको सिलेक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। आपको बोला कि दी एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जा सकते हैं। पहले आप यहाँ पर फीस के बारे में भी देख लीजिए। फीस का एक सेक्शन अभी मेरा ध्यान पड़ा तो आता है कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आईपीओ यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे, और ये आपको किन के फेवर में करनी है उसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अब फिर से आते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जाएंगे आपकी ओपन रैली पर जो भी आपका रिक्रूटमेंट सेंटर है उसके ऊपर, किस किन डॉक्यूमेंट के साथ में, वो अब आप देख सकते हैं। तो दी कैंडिडेट हु रिपोर्ट एट द डेजिनेटेड रिक्रूटमेंट सेंटर ऑन द गिवन डेट एंड टाइम विल बी पुट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेज, यानी कि इन जो नीचे स्टेज दी गई है उनके तहत आपको इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। स्टेजेस क्या है, तो स्टेजेस आपकी रहेगी यहाँ पर इसमें सिलेक्शन की, वो है रजिस्ट्रेशन रेस यानी कि पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, रिटर्न टेस्ट, मेरिट लिस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। तो ये बाद में होंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए टाइमिंग पर जाना है। अब आपको क्या भर करके लेकर के जाना है और किस टाइमिंग पर जाना है, तो बार बार कह रहा हूँ कि आप 8 अक्टूबर 2023 तक शाम 7 बजे तक, सॉरी सुबह 7 से शाम 4 बजे तक किसी भी वक्त वहाँ पर जा सकते हैं। क्या आपको लेकर के जाना है, तो एक है आपका नेक्स्चर फर्स्ट, फिर है एनेक्चर 2 एडमिट कार्ड, और तीसरा है आपका रेशन स्लिप एनेक्चर 5। तो यहाँ पर जो भी आपके नोटिफिकेशन के अंदर एनेक्चर की जानकारी दी गई है इस वाले सेक्शन के अंदर, वो आपको भर करके लेकर के जाने होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्शन प्रोसेस पर लाता हूँ। आप जिस भी स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं उसमें जो एनेक्चर बोले हैं, जैसे कि इसमें आपको एनेक्चर 1, 2 और यहाँ पर आपका एनेक्चर 4 लेकर के जाना होगा भर करके दिए गए टाइमिंग पर। और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी अबाउट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने जो डॉक्यूमेंट आपको मेंशन किए गए हैं। तो आपने ये सभी चीजें यहां पर जान ली है। रेस में पीईटी में क्या होगा वो आप देख सकते हैं, मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस, टाइमिंग कितना है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये आप यहां पर थोड़ा सा और नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में आपको इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिन अनक्षर की बात हो रही है जो कि आपको फिल करके लेकर के जाने हैं वो अब आप यहां पर देख लीजिए। तो यहां पर सभी नोटिफिकेशन में आपको ये दिए गए हैं अनक्षर फर्स्ट, तो अनक्षर फर्स्ट आपको कैसे भरना है वो अब आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपकाना है जो कि कलर में बेसिकली हो, और अब आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर AMZAD इस तरह से एक बॉक्स के अंदर एक लेटर आप आपके वर्ड आपके नाम का लिखेंगे, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। इसके बाद फादर नेम सेम वे में भरना है। फिर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे कि 0205 या फिर 2000, तो 2000 इस तरह से आप यहां पर लिख देंगे। बॉक्स ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, यहां पर आप आपका सिग्नेचर कर देंगे। आपकी उम्र 1 अगस्त 2023 तक कितनी होती है, तो आप यहां पर ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे, जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र होती है 19 साल की, तो आप यहां पर वाई वाई में 1-9 लिखेंगे यानी कि 19, फिर मंथ एमएम में लिखेंगे आप मंथ जैसे कि 02 और डे, फिर यहां पर मान लीजिए आपके डे होते हैं 10, तो आप यहां पर 10 लिख देंगे, यानी कि 1-8-2023 तक आपकी उम्र को काउंट करना है और फिर आपको यहां पर उसको लिख देना है। जेंडर बताना है, मेल या फीमेल जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। 4-point क्वालिफिकेशन, तो एग्जाम पास्ट में आप यहां पर सबसे पहले 10th लिखेंगे, फिर नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, तो यहां पर आप आपके स्कूल को स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम दे सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर आपके बोर्ड का नाम लिख दें जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। सब्जेक्ट स्टडीड, तो आप यहां पर इसमें लिख दीजिएगा ऑल जनरल सब्जेक्ट। इसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, तो
कितनी परसेंटेज आई थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपने 12वीं भी किया तो आप सेम वे में एग्जाम पास्ट में 12वीं, फिर आपके बोर्ड का नाम, फिर आपने जो सब्जेक्ट पढ़े जैसे कि PCM, PCB, आर्ट, कॉमर्स, वो आप लिख दीजिए एंड यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज भी लिख दीजिएगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो जो भी है उसी के नीचे आपको राइट का निशान ऐसे यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो अगर आप जनरल है तो जनरल के नीचे राइट का निशान लगाएंगे, SC OBC एक्स सर्विसमैन है तो उसके नीचे आपको इसका निशान लगाना है। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे रिलीजन है तो जो भी आपका रिलीजन है उसके नीचे आपको राइट का निशान लगाना है। 8 पॉइंट है परमानेंट होम एड्रेस, तो विलेज मोहल्ला जो भी है उसके सामने आप आपके विलेज मोहल्ला का नाम देंगे। पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आप यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखते हुए अपनी पूरी जानकारी भर देंगे। नीचे है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा ये परमानेंट एड्रेस है और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो ये जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में भरा है वही आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट तो नीचे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। 10 पॉइंट ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है और यहाँ पर चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है और फुला करके आपकी चेस्ट कितनी हो जाती है, वो आप यहाँ पर एक्सपेंडेड CMS के अंदर लिखेंगे। सेंटीमीटर में आपको बेसिकली लिखनी है। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि 65, 68, 70 जो भी है। डू यू वियर स्पेक्टल्स, क्या आप चश्मे पहनते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 12 पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई प्रेजेंट में जॉब करते तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे कि बोला अदरवाइज राइट नॉट एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा अगर आप यहाँ पर जो करंट में जॉब कोई नहीं करते हैं। इसके बाद में नीचे आइए, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल, इफ़ एनी प्लीज टिक, वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस एज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, कि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैं आपको प्रिफेयर करूँगा तो आप इन सभी नो के ऊपर राइट का निशान लगा दे, बट एक बार पढ़ भी लीजिएगा कि कौन सा सवाल है और उसमें ही क्या उसमें यस ही कहा है। तो पर अभी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी में नो ही लगाना है। 14 पॉइंट आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, 15 पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर जो वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई भी मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है जिससे आपकी पहचान होती है परमानेंट मार्क, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आता है थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किया, जैसे कि मैट्रिकुलेशन, 12th, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने उसकी जानकारी आपके सामने है, जैसे कि यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि 10th, 12th, डेट ऑफ बर्थ में आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही अटैच कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट है तो आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट देना है जो कि आपका तहसीलदार और SDM के द्वारा जारी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप जॉब करते तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यहां पर NIPO डिमांड ड्राफ्ट BD 4 रुपए 100, यानी कि आपको जो अगर आप SC ST जनरल OBC कैंडिडेट है और या फिर EWS है तो आपको जो फीस जमा करनी है और जो आपने फीस जमा की है आपकी IPO के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करनी है। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अटैच किए हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे इन वाले सेक्शन में जो कि लिस्ट ऑफ इनक्लोजर का आपके सामने सेक्शन है। फिर आप यहाँ पर पहले इसमें जगह लिखेंगे कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पर डेट लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, और डेट आप यहाँ पर 5 अक्टूबर की ही भरिएगा, उससे पहले की मत भरिएगा क्योंकि आपको ये लेकर के जाना है ना कि आपको ये भेजना है। अब आप यहाँ पर आपकी सिग्नेचर कर देंगे, ये आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपको सर्टिफाइड डेट मिस्टर ये बोला कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वही इसको भरेंगे, आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको नेक्स्ट 2 भी भरना है। आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो लिख दीजिए, फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। ये सब जानकारी जो भी आपने ऊपर फॉर्म में भरी है वही जानकारी है, ये अब आप यहाँ पर भर देंगे। इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर जो चीज़ें ऑफिस के लिए उसको खाली छोड़ देंगे। फिर आएंगे और नीचे आने के बाद में जो आपकी राशन स्लिप है ये भी आपको यहाँ पर भरनी है, आपका नेक्स्ट 5। तो राशन स्लिप आप भरेंगे, इसमें आपको क्या भरना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें सिर्फ आपका जो नाम है वो लिखेंगे और जो आपका 8 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, क्योंकि आपको बोला है कि ओनली सीरियल नंबर 4 और 28 इज टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, तो 4 से लेकर के 8 तक, तो यहां पर आपका
इसमें जो चार है और जो आठ है ये आपको लिखना है, बाकी की जानकारी ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी। ये जो फादर नेम है ये भी आप लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर भी आप लिख सकते हैं, कैटेगरी भी आप लिख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हैं। बाकी जो जानकारी बच जाती है चार से लेकर के आठ के बाद में और उसके पहले, वो ऑफिस के द्वारा भरी जाएंगी। तो इसके बाद में कैंडिडेट कॉपी है ये भी आप भर दीजिएगा, इसमें भी आपको चार से लेकर के आठ तक की जानकारी भरनी है, यानी कि चार पाँच छः सात आठ, बाकी आपको नहीं भरना है। तो अब आपने पूरी जानकारी यहाँ पर भर ली है, तो इसको भरने के बाद में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको लेकर के जाना है आपके एग्जाम सेंटर पर। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, आपको एप्लीकेशन फीस का एक सेक्शन मिलेगा आपके नोटिफिकेशन में, जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं उसमें आपको जो भी जिसके लिए फीस जमा करने के लिए बोला है वही आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फीस जमा करनी है, इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो इन फेवर में आप फीस को जमा करके उसकी जानकारी आपको इस फॉर्म के अंदर भर देनी है, और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी मिली है वो भी आपको लेकर के जानी है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।